ओम शांति। आज नवरात्रि के आदि देवी त्रिशक्ति का पांचवा स्वरूप है माँ स्कंद माता, जो बुद्धिमता और ज्ञान की देवी के नाम से प्रचलित हैं, जो ज्ञान और कर्म, कर्म और योग का बैलेंस रखने का एक सूचक है, जो व्यावहारिक ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, जो परमात्मा ज्ञान को कर्म में लाने का प्रतीक है। वह ये कहे कि ज्ञान और कर्म व योग और कर्म का बैलेंस का यादगार प्रतीक है, जो आनंदमय, सदैव शांत, निर्चल, निश्चिंत स्थिति का प्रतीक है, जिसमें संकल्प शक्ति, ज्ञान और कर्म की शक्ति का समागम है। जो बाबा हमें सदैव यह स्मृति दिलाते रहते हैं कि व्यावहारिक जीवन व गृहस्थ व्यवहार में व संबंध संपर्क में जब आते हैं तो कई प्रकार के बैलेंस की आवश्यकता है, जैसे ज्ञान और योग का बैलेंस, कर्म और योग का बैलेंस, जो कि व्यावहारिक जीवन में अति आवश्यक है, क्योंकि जब जीवन में कई बार ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाती है, उस समय हमें साक्षी दृष्टा व न्यारा व डिटैच हो जाने की आवश्यकता रहती है। जब हम साक्षी दृष्टा व न्यारा व डिटैच होकर के इस स्थिति में स्थित होकर परिस्थिति को देखते हैं, तो उस परिस्थिति से सहज ही हम बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि जब तक परिस्थिति में हम घिरे रहते हैं तब तक उस परिस्थिति से बाहर निकलने का उपाय नहीं मिल पाता। जब हम उस परिस्थिति से बाहर अर्थात साक्षी दृष्टा आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तब उस परिस्थिति से बाहर निकलने का व ये कहे कि उस परिस्थिति को सामना करने की शक्ति व उसकी युक्ति मिल जाती है। जब जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसका हम सामना नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें उस सिचुएशन से अलग होना होता है। एग्जाम्पल के रूप में समझो कोई हमारे सामने वही परिस्थिति लेकर हमारे पास उसका हल लेने के लिए आते हैं, तो उसी परिस्थिति का हल हमारे पास होता है, क्योंकि हम उनकी परिस्थिति को न्यारा होकर देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमें स्वयं के सामने भी जब वही स्थिति परिस्थिति आती है तो हमें भी उससे न्यारा होना होगा, तब ही हम जीवन की उस कठिन परिस्थिति से स्वयं को बाहर निकालने का उपाय सहज ढूंढ पाते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, जब हम बातों के चिंतन में ज्यादा उलझ जाते हैं, उसका उपाय व चीज व वस्तु हमारे सामने होते हुए भी वो हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हमारा मन, हमारा चिंतन उसके व्यर्थ में उलझा हुआ रहता है। जब हम उस व्यर्थ चिंतन से बाहर निकलेंगे तब हम उस परिस्थिति को सहज ही पार कर सकते हैं, क्योंकि साक्षी दृष्टा न्यारापन हमारे मन और चित्त को एकदम शांत कर देता है, और जब हमारा मन, हमारा चित्त शांत हो जाता है, तभी जीवन में हमारे सामने कैसी भी सिचुएशन आ जाए हम उसे सहज ही पार कर लेते हैं, जैसे मक्खन से बाल। तो आइए आज हम इसी स्वरूप का अभ्यास करते हैं और अपने जीवन में, व्यवहार में, गृहस्थ व्यवहार में, संबंध संपर्क में यह ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज करने का स्वरूप बने और सभी भगत आत्माओं को भी वह शक्ति प्रदान करे जिसमें हर आत्मा साक्षी दृष्टा होकर उस सिचुएशन को पार करे। अपने मन को सभी भाव और भावनाओं से, सभी संबंधों से, यहाँ तक कि इस शरीर से अपने को न्यारा महसूस करें। मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूँ, मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूँ, एकदम ऐसे जैसे ड्राइवर और कार
जब चाहे हम इस शरीर को चलाए, जब चाहे हम इस शरीर के द्वारा कर्म में आए, व्यवहार में आए, संबंध संपर्क में आए, और जब चाहे उनसे न्यारे हो जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे गाड़ी से ड्राइवर अलग होता है। तो मैं आत्मा भी इस शरीर का ड्राइवर मालिक हूँ। मैं इसके अधीन नहीं हूँ, मैं इससे न्यारी आत्मा हूँ। और शक्तिशाली आत्मा हूँ। यह सभी कर्म इंद्रिया मेरे कर्म साथी हैं। यह सभी कर्म इंद्रिया मेरे कर्म साथी हैं, जो मुझे कर्म में सहयोग देती हैं। यह सभी कर्म इंद्रिया मेरे अधीन हैं। मैं इसकी मालिक हूँ। उतना ही डिटैच हूँ। अपने समान की सीट पर सेट हो जाए। मस्तक सिंहासन में स्थित हो जाए। और चेक करें सभी कर्म इंद्रिया, मन, बुद्धि, संस्कार मेरे अधीन है। यह मेरे अनुसार चलते हैं। मैं इसकी मालिक हूँ। जब हम मालिक बनकर इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म में, व्यवहार में आते हैं व संकल्प करते हैं, तभी हर कर्म, हर संकल्प उच्च, श्रेष्ठ व सफल होते हैं। क्योंकि समान की सीट पर सेट होकर कार्य करना, अर्थात न्यारा होकर कार्य करना, मैं आत्मा तो सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, शक्तिशाली हूँ। आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। जब मैं आत्मा इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होती हूँ, तब जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है तो उसे सहज ही पार कर लेती हूँ। क्योंकि मैं अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हूँ। अपनी आत्मा की सर्व शक्तियों को इमर्ज करें। प्रकृति के सिंहासन पर स्थित होकर अपने
अपनी आत्मा की सर्व शक्तियों को, सर्व गुणों को इमर्ज करें। कि परमात्मा ने मुझ आत्मा को क्या स्मृति दिलाई है कि तुम कौन हो। बाबा मेरे सन्मुख उपस्थित होकर यह स्मृति दिला रहे हैं कि तुम मास्टर ज्ञान सागर हो। तुम विघ्न विनाशक आत्मा हो जो हर स्थिति परिस्थिति से सहज ही बाहर निकल जाता है, कभी भी उसमें उलझता नहीं है। मैं ऐसी विघ्न विनाशक आत्मा हूं व निर्विघ्न आत्मा हूं। विघ्न परिस्थिति मुझे टच नहीं कर सकते व हिला नहीं सकते। और बाबा कहते तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ब्रगोटी सिंहासन पर स्थित होकर अपनी सर्व शक्तियों को निहारे। बाबा के दिए हुए सर्व वरदानों को स्मृति में लाए कि मैं कौन हूँ। मुझ में क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या गुण समाहित हैं। चिंतन करें और देखें मैं आत्मा इन सभी गुणों शक्तियों को वरदानों को पाकर मैं आत्मा कितनी चमक रही हूँ। ब्रह्मोटी के मध्य में ब्रह्मोटी सिंहासन पर मैं आत्मा कितनी शक्तिशाली हूँ। जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जिसको मैं सहज ना कर सकूं। मुझ आत्मा में परमात्मा की दी हुई वह दिव्य अलौकिक शक्तियां वरदान समाहित है जिसके आधार से जीवन में हर स्थिति परिस्थिति में मैं सदा सफल हूँ, सदा उन्नत हूँ, उन्नति को प्राप्त करने वाली हूँ। सदा श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ती जा रही हूँ।
शरीर से एकदम न्यारी आत्मा हूँ, बिल्कुल डिटैच्ड हूँ। कोई भी शरीर का, कर्मों का, संबंधों का कोई बंधन नहीं, कोई रुकावट नहीं। इन सब से न्यारी आत्मा हूँ। इन सब से न्यारापन अनुभव हो रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि जैसे मैं उड़ रही हूँ, एकदम हल्की हो गई हूँ, न्यारी हो गई हूँ, डिटैच्ड हो गई हूँ। जितना न्यारा उतना ही शक्तिशाली, जितना हल्का उतना पावरफुल। ऐसी स्थिति का अनुभव हो रहा है। इसी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर सारी विश्व की आत्माओं को कर्म के बंधन से न्यारा होने की शक्ति प्रदान करें। कर्म को समझने का ज्ञान प्रदान करें। जिन कर्मों, व्यवहारों में उलझी हुई आत्माएं हैं, उन्हें न्यारापन अनुभव कराएं। क्योंकि जो न्यारा फरिश्ता स्थिति में स्थित होता है, उस आत्मा की दृष्टि ही अन्य आत्माओं को न्यारापन की अनुभूति कराती है। अर्थात हल्कापन अनुभव कराती है। और जितना हल्का होते जाते हैं, उतना ही सुख अनुभव होता है। सभी आत्माएं सुखी हैं। खुशी की प्राप्ति कर रही हैं। सभी आत्माओं को ऐसी पावरफुल दृष्टि देते रहे। सभी आत्माओं को नैनों से निहाल करते रहे। अर्थात बंधनों से मुक्त करते रहे। मैं निर्बंधन निर्विघ्न आत्मा
सभी आत्माओं को दृष्टि द्वारा, संकल्पों के द्वारा, विश्व की हर आत्मा को यह न्यारापन अनुभव कराए अपनी श्रेष्ठ संकल्पों के और न्यारापन के वाइब्रेशंस व उसका ऑरा इतना बढ़ाते जाओ, इतना विशाल करते जाओ जो उस ऑरे के अंदर, उस वाइब्रेशन के अंदर कोई भी आत्माएं आए उसे हल्कापन अनुभव हो, न्यारापन अनुभव हो, अलौकिकता का अनुभव हो, जैसे परमधाम में सभी आत्माएं एक साथ होते हुए भी कितनी न्यारी है, कितनी शक्तिशाली है, कितनी अलौकिक है, कितनी शांत है, कितनी स्थिरता है, कितनी निर्छल, निर्मल, निश्चिंत आत्माएं हैं, जहां कोई चिंता, भय, कोई बंधन नहीं, यही स्थिति मेरी वास्तविक स्थिति है। यही मैं आत्मा हूँ। यही मेरी शक्तियाँ, मेरे गुण हैं। स्थित हो जाए कुछ देर इस स्थिति में और आत्मा के इन सभी गुणों को फिर से अपने में अनुभव करें, मगन हो जाए जब मैं आत्मा इन्हीं गुणों और शक्तियों को कर्म में, व्यवहार में, संबंध में लाती हूँ तभी मैं हर आत्मा को हर संबंध में, व्यवहार में सुख प्रदान कर सकती हूँ। वाह, हर आत्मा को प्राप्ति का अनुभव करा सकती हूँ।
सदा इसी स्थिति में स्थित होकर कर्म में व्यवहार में आए, अपने मन और बुद्धि को भ्रकुटी सिंहासन पर स्थित करके फिर कर्म में आए, फिर कोई संकल्प करे वा बोल बोले, तभी वह कर्म बोल निर्विघ्न होगा वा सफलता प्राप्त कराने वाला होगा। इस स्थिति को रोज दोहराए, फिर कर्म में आए। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।